फ्रेंड्स, वेलकम टू गोरीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम न्यू तरीके से आलू का पराठा। और आलू का पराठा जो हम बनाएंगे वो बिना स्टफिंग के बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी आलू का पराठा लगेगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। बच्चों को बहुत पसंद है आलू का पराठा। आए दिन आलू के पराठे की डिमांड होती रहती है और मेरे बेटे को बहुत पसंद है आलू का पराठा। वो कभी भी बोल देता है कि मम्मा आलू का पराठा बनाइए। तो अब झटपट अगर हमें आलू का पराठा बनाना है तो इस प्रकार से आप आलू का पराठा बना सकते हैं। आइए देखिए किसे बनाते हैं हम आलू का पराठा। 5-6 मैंने बॉईल आलू ले लिए हैं, बारीक कटा हरा धनिया लिया है, ऑयल लिया है मैंने, और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 0.5 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, 0.5 चम्मच गरम मसाला, 2-3 हरी मिर्ची के टुकड़े, 5-6 लहसुन की कलियां, 0.5 इंच अदरक और 1 चम्मच जीरा, इन सबको पीस कर मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। 0.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, 0.5 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक, 2 पिंच हींग, 1.5 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और 0.5 कप मैं बेसन का यूज़ करूंगी इसमें। इन सभी चीज़ों से मिलकर हम आलू का पराठा बनाएंगे। आइए देखें बनाते हैं हम आलू का पराठा। सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे। थाली में हम आलू को रख लिया है हमने और हम इसे मैश करेंगे। मैशर की सहायता से मैश करेंगे या फिर आप चम्मच की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हैं या फिर इसे ग्रेट कर लीजिए, जैसा भी आपको जमे आप इस आलूओं को अच्छे से मैश कर लीजिए। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे, लहसुन अदरक हरी मिर्ची और जीरे का हमने पेस्ट बना के रखा है वो हम इसमें ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 0.5 चम्मच चाट मसाला, 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 पिंच हींग, 0.5 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 0.5 चम्मच, क्या आप अपने टेस्ट के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं लाल मिर्च पाउडर, और 0.5 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, आवश्यकता अनुसार नमक हम इसमें डालेंगे और इन सबको अच्छे से पहले मैश कर लेंगे हाथों की सहायता से। चाट मसाले का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैं इसमें चाट मसाले का यूज किया है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अमचूर पाउडर भी अगर नहीं है आपके पास तो आप उसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी चीजें इसमें अच्छे से ऐड हो गई हैं। अब हम इसमें गेहूं का आटा मिक्स करेंगे। ये बिना स्टफ्ड आलू का पराठा है, बहुत इजी तरीके से बहुत जल्दी बन जाता है। हम इसमें आवश्यकतानुसार मैंने अभी 1 कप इसमें गेहूं का आटा मिक्स किया है और 0.5 कप इसमें मैं बेसन ऐड करूंगी। बेसन से भी आलू के पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसमें जो मॉइस्चर होगा बेसन उसको सोख लेता है जिससे कि हमारा आटा गीला नहीं होगा। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है और हमारा आलू के पराठे का डो तैयार हो गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आलू के पराठे का डो थोड़ा ढीला है तो आप उसमें गेहूं का थोड़ा सूखा आटा और ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से सूखा आटा थोड़ा सा ऐड करके उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए हमारा आलू के पराठे का डो थोड़ा सा गीला था इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मिलाकर उसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच इसमें तेल डालेंगे और अच्छे से इसको मैश करके फिर हम इसके बारीक आलू का पराठा बनाएंगे। ये देखिए हमारा एक स्मूथ डो तैयार हो गया है आलू के पराठे का। बस अब हम इसका आलू का पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। पराठा बनाने के लिए हमने सूखा आटा ले लिया है और अब हम गैस पर मैंने तवा रख दिया है, गैस ऑन कर लिया है। थोड़ा ज्यादा आटा लेंगे, थोड़ा थिक गोला बनाएंगे इसका। इस प्रकार से हम आटे में इसको लपेटेंगे, हल्के हल्के हाथ से हम इसे थोड़ा सा लंबा बेलेंगे। उसके बाद फिर हम बीच में इसमें तेल लगाएंगे, बीच हाफ फोल्ड करेंगे।
इस प्रकार से अब आलू का पराठा बेलेंगे, आपके सारे पराठे अच्छे फूले फूले बनेंगे। फिर हम इस पे आटा लपेटेंगे सूखा, और फिर हम धीरे धीरे करके पराठा बेलेंगे। ये बहुत ही इजी ट्रिक है आलू के पराठे बनाने की, और ये बैचलर के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। ये देखिए, रोटी से थोड़ा सा मोटा हमने पराठा रखा है। इस प्रकार से हम पराठा बेल लेंगे और तवे पर डालेंगे। देखिए हल्के हल्के बबल्स आ गए हैं इसमें। मीडियम लो पर ही हम पराठा सेकेंगे। स्पैचुला की सहायता से हम इसे पलटेंगे। ये देखिए, इस साइड से अच्छा सीख गया है हमारा पराठा। अब हम इस पर ऑयल या घी, आप जो भी चाहे वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पराठे बेलते टाइम अंदर हम तेल लगाते हैं, उससे पराठे आसानी से फूलने लगते हैं और सारे पराठे हमारे फूले फूले बनेंगे। इस प्रकार से आप तेल लगाकर पराठे बेलेंगे तो ये देखिए कितना मस्त हमारा पराठा फूला है, और बहुत अच्छा आलू का पराठा बना है हमारा। अरे खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत इजी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। इस रेसिपी से आपके आलू के पराठे बहुत ही जल्दी फटाफट बन जाएंगे। पराठे सीखने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और स्टफिंग का झंझट नहीं है। बिना स्टफ्ड आप आलू के पराठे इजी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से आलू का पराठा हमारा सीख गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से दूसरा पराठा हम बनाएंगे। ये देखिए कितना मस्त आलू का पराठा बना है। इसी प्रकार से हम दूसरा आलू का पराठा बेलेंगे और थोड़ा सा लंबा बेलेंगे उसको, और फिर बीच में तेल अप्लाई करेंगे इसका। ये देखिए, इस प्रकार से हमने दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लिया है। आलू का पराठा आप नॉनस्टिक तवे पर या सादे लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। देखिए हमारे सारे पराठे अच्छे फूले फूले बनेंगे, इतने मस्त फूल रहे हैं। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस से खाना चाहता है तो ऑयल ना लगाए, इस प्रकार से भी बिना ऑयल लगाए कर सेक कर भी इसे पराठे को खा सकते हैं, आलू की रोटी की तरह। ये देखिए कितना मस्त हमारा पराठे होते हैं। इस प्रकार से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारे बिना स्टफ्ड आलू के पराठे। बहुत ही टेस्टी पराठे बने हैं हमारे। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, और आप इस तरीके से आप आलू के पराठे बनाएंगे तो 10 मिनट में आपके सारे आलू के पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत झटपट बनते हैं आलू के पराठे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।